ज्वालाजी शहर में दुकानदारों द्वारा अवैध रूप से बेचे जा रहे पॉलिथीन पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। एसडीएम राकेश कुमार, तहसीलदार जगदीश शर्मा, नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी देसराज चौधरी व पुलिस की टीम ने शहर की दुकानों में छापेमारी कर लगभग 10 दुकानों में पॉलिथीन को लेकर चालान काटा गया और जुर्माने के रूप में 5,000 रूपए वसूला, जिसका जीता जागता उदाहरण प्रशासन एवं स्थानीय पुलिस द्वारा छेड़े गए अभियान के तहत देखने को मिला। इधर एसडीएम राकेश शर्मा ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वो रोजाना दुकानों की चेकिंग करें व इनकी रिपोर्ट उन्हें सौंपें। हालांकि बुधवार का दिन जो स्थानीय दुकानदारों के अवकाश का दिन होता है, ऐसे में आधे से ज्यादा बाजार बंद था। कुछ एक खुली दुकानों में प्रशासन एवं पुलिस की कार्यवाही ने दुकानदारों में हड़कंप मचा दिया है।